हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर टॉपिक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट्स में हमारे फ़र्स्ट आता है इंट्रीज़ इन फॉर्मुलरीज हम लोग फॉर्मुलरीज में क्या क्या एंट्रीज़ करते हैं फ़र्स्ट आता है हमारा जेंडिक नेम ऑफ बेसिक ड्रग हमारा जैसे कोई भी एक जेनरिक नेम है किसी भी ड्रग का जैसे जेनरिक नेम हम लोग ले लेते हैं मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन हमारी डायबिटिक के लिए यूज़ होती है तो जो मेटफॉर्मिन है वो हमारा जेनरिक नेम है सेकेंड आता है हमारा कॉमन नेम कॉमन नेम मीन्स ब्रांड नेम्स किसी भी मेडिसिन का ब्रांड नेम कौन से ब्रांड के नाम से आती है जैसे कि बच्चों की एक मेडिसिन आती है टी नाइनटी एट -e टी एट -e उसका ब्रांड नेम हो गया और पैरासिटामोल उसका कॉमन नेम हो गया थर्ड आता है आपका डोजेस फॉर्म डोजेस फॉर्म में हम लोग वो मेंशन करते हैं कि हमें कौन सी डोज कौन से फॉर्म में देनी है लिक्विड फॉर्म में देनी है या सॉलिड फॉर्म में देनी है नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ में हम ये देखते हैं कि हम हमें कितनी एम की टैबलेट देनी है स्ट्रेंथ कितने एम की टेबलेट हमें देनी नेक्स्ट आता है हमारा पैकेजिंग कि हमारी टेबलेट कौन सी पैकेजिंग में है ब्लिस्टर पैकेजिंग है या एलो एलो पैकिंग में है इसमें हम ये देखते हैं फोर्थ आता है हमारा फॉर्मूलेशन फॉर्मूलेशन में हम वो देखते हैं नेम ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, फॉर्मूलेशन ऑफ द प्रोडक्ट इसमें हमारे फॉर्मूलेशन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से सॉल्ट्स हम दे रहे हैं फिफ्थ आता है हमारा एडल्ट एंड पेडियाटिक डोज कि हमें एडल्ट को कौन से एम में कौन से एम में कितनी डोज देनी है और हमारे पीडियाट्रिक को बच्चों को कौन सी डोज कौन से एम या कौन कितने एम में देनी है सिक्स्थ हमारा आता है रूट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन हमें कौन से रूट से वो ड्रग प्रोवाइड करानी है ओरली देनी है या लिक्विड फॉर्म में देनी है या आईवी फॉर्म में देनी है ये सारा आता है हमारा रूट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन फिर सेवन्थ आता है हमारा कॉस्ट कौन सी मेडिसिन कितने कॉस्ट की है नेक्स्ट आता हमारा इंट्री ऑफ अ ड्रग इनटू द फॉर्मली फॉर्मुलरी इज ए कॉम्प्लेक्स मैटर बिकॉज ओनली द मेम्बर एलोन आर नॉट कमेंट टू डिसाइड ईच ड्रग हमारी फॉर्मुलरी में कौन कौन सी ड्रग की इंट्रीज होती है ये हमारा सिर्फ एक पीटीसी कमेटी ही नहीं डि, डिसाइड करता है इसमें हमारे एक्सपर्टीज़ को भी इनवाइट किया जाता है जैसे कि हमारे डॉक्टर्स नर्सस के जो भी क्लिनिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इस फॉर्मुलरी को डिसाइड कर सकते हैं द गाइडलाइंस आर फ्रेम्ड बाय द बट सारी गाइडलाइंस हमारी पी कमेटी के थ्रू ही किया जाता है नेक्स्ट आता हमारा इंडेक्स टू द ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग हम ड्रग प्रोडक्ट की कैसे लिस्टिंग करते हैं ये हमारे दो वेज में होता है दीज आर टू वेज फर्स्ट होता है हमारा जेनरिक नेम और ब्रांड नेम जेंरिक नेम या ब्रांड नाम ब्रांड नेम से होता है द प्रॉपर पेज नंबर शुड बी गिवन फॉर रिफरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उसमें हमारा प्रॉपर पेज नंबर दिया होता है जैसे हमारा पर्टिकुलर एक ब्रांड नेम से कोई भी मेडिसिन आती है जैसे हमारी मेटफॉर्मिन है तो पर्टिकुलर एक पेज नंबर के हिसाब से हमारी वो ड्रग दी होगी सेकेंड आता है हमारा थैरापिटिक और फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स दिस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द थैरापिटिक कैटेगरी इस पर इस इस इंडेक्स में हमारा थैरापिटिक कैटेगरी दी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी हिस्टामिनिक ड्रग या एंटी इन्फेक्टिव ड्रग जैसे हमारी कोई भी ड्रग दी होती है जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेने एंटी इन्फेक्टिव ड्रग उसका हमें पेज नंबर गिवन होता है जिससे हम थेरापिटिक और फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स उसका देख सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज़ हमारे हॉस्पिटल के पॉलिस की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है फर्स्ट आता है वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स आर फ्रेंड फॉर ड्रग यूज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ड्रग यूज़ हमारी ड्रग की ड्रग के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती है कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं उसको फ्रेम करने के लिए सेकेंड आता है हमारा ब्रीफ डिस्कस डिस्कशन ऑफ़ पी टी सी इंक्लूडिंग इट मम्बरशिप रिस्पॉन्सबिलटीज़ पी टी सी हमारी क्या करती है ब्रीफ डिस्कशन करती है कि हमारी क्या क्या मम्बर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है थर्ड आता है इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल रेगुलेशन्स गवर्निंग द प्रिस्क्राइबिंग डिस्पेंसिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जेनरिक नेम रूल्स टू बी फॉलोड बाई मेडिकल डिस्वेंटेजि एमरजेंसी ड्रग प्रोडक्ट एक्सेट्रा हम अपने हॉस्पिटल्स में ये ऐसे फॉर्मुलरी बनाते हैं कि हमें क्या क्या हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे हमें ड्रग को डिस्पेंस करना है कैसे प्रिस्क्राइब करना है कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग करना है जेनरिक नेम उसके क्या हैं रूल्स टू बी फॉलोड और हॉस्पिटल्स में हमारे जो भी मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव आते हैं मेडिसिनल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं एम आते हैं वो हमें क्या क्या ड्रग्स के बारे में बताते हैं कोई भी नई ड्रग्स आती है तो ये हमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आके बताते हैं एमरजेंसी ड्रग प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीडर्स सच एज आवर्स ऑफ सर्विस आउट पेशेंट प्रस्क्राइपन पॉलिसीस प्रिस्क्रिप्शन लेबलिंग पैकेजिंग एंड प्रैक्टिस इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर फॉर एंट्री ऑफ आ ड्रग शूड बी इंक्लूडेड इन दिस्टम हमें हमारे हमारे हॉस्पिटल फाउंडरी सिस्टम में सब कुछ मैंशन करना होता है कि हमारा आउट पेशेंट कौन कौन से हैं कौन से आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसीज़ हैं या हमारे प्रस्क्रिप्शन लेबलिंग क्या है पैकेजिंग क्या है इन पेशेंट हॉस्पिटल uh, के अंदर जो पेशेंट्स है वो कौन कौन सी ड्रग्स ले रहे हैं जो हॉस्पिटल्स में आउट पेशेंट है वो कौन कौन सी ड्रग्स ले रहे हैं ये सारी एंट्रीज हमें सिस्टम में करनी होती है थर्ड वन आता है हमारा स्पेशल इंफॉर्मेशन स्पेशल इंफॉर्मेशन द मटेरियल टू बी इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन वेरी फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल बट इट शुड बी यूजफुल टू हॉस्पिटल ये सारे मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं यूज़फुल्स होते हैं हमारे मेडिकल स्टाफ के लिए कि हमारी जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है वो हमें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल्स तक भेज सकें तो नेक्स्ट आता हमारा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लिस्ट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लिस्ट हमें पूरी मिलती है इक्कीवलन ऑफ सिमिलर डोज लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रीविएशन कौन कौन से एवरीविएशन हमारे हॉस्पिटल में अप्रूव्ड है गाइडलाइंस फॉर कैलकुलेटिंग पेडियाटिक डोज पेडियाटिक डोज की क्या क्या कैलकुलेशन है वो गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी होती है लिस्ट ऑफ़ शुगर फ्री प्रोडक्ट हमें शुगर फ्री प्रोडक्ट्स की सारी लिस्ट बनानी होती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट कौन सी टैबलेट कौन से सिरप्स हमारे शुगर फ्री हैं नंबर ऑफ़ आइटम अवेलेबल फॉर एमरजेंसी बॉक्सेस हमारे कितने ड्रग्स हैं जो हमारे एमरजेंसी बॉक्सेस में अवेलेबल हैं मैट्रिक कन्वर्जन एंड टेबल्स टेबल्स ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन नेक्स्ट आता है पॉइजन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन अब हम लोगों ने सारे टॉपिक्स अपने क्लियर कर लिए हैं हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन एंड फंक्शंस इस टॉपिक्स में पूरे कवर कर लिए हैं थैंक यू